क्या केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लोकसभा चुनाव में एक साथ लड़ेगी? अगर हाँ तो किन राज्यों में सीट शेयरिंग होगी? कौन कहाँ कितनी सीटों पर लड़ेगा? ये सारे वो सवाल हैं जो 8 जनवरी को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की पहली बैठक के बाद से ही पूछे जा रहे हैं, जिस पर आगे फाइनल बातचीत के लिए 12 जनवरी यानी कि शुक्रवार को भी केजरीवाल और कांग्रेस के नेताओं के बीच मुलाकात हुई, बैठक हुई, जिसमें आम आदमी पार्टी की तरफ से राघव चड्ढा, संदीप पाठक, सौरभ भारद्वाज और आतिशी शामिल हुए, जिसमें कई राज्यों में साथ लड़ने और सीट शेयरिंग पर बात हुई, जिसमें सूत्रों के हवाले से ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि दिल्ली में आप और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग लगभग तय हो गई है। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के कुल 7 सीटों के लिए 4 और 3 सीटों का फॉर्मूला तैयार किया गया है। हालांकि दिल्ली में कौन 4 सीटों पर लड़ेगा और कौन 3 सीटों पर, इसे लेकर फिलहाल कल की बैठक में कोई बातचीत नहीं हुई। तो वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस और आपके बीच सीट शेयरिंग पर फाइनल समझौते के लिए अगली मुलाकात अगले हफ्ते होनी है, जिसमें ये तय किया जाएगा कि कौन कहां कितनी सीटों पर लड़ेगा। लेकिन 2 बैठकों के बाद कांग्रेस और आपके बीच बढ़ती नजदीकियां और बयानों के बदलते सुरों से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस और आपके बीच सीट शेयरिंग पर बैठक अच्छे माहौल में हो रही है। क्रिकेट मैच की तरह बॉल बाय बॉल कमेंट्री नहीं हो सकती, बहुत अच्छी बातचीत चल रही है। सलमान खुर्शीद जी ने आपसे विस्तार से चर्चा करी है, जब कुछ बताने लायक होगा आपसे फिर विस्तार से चर्चा करेंगे। इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि जो केमिस्ट्री हम ढूंढ रहे थे वो केमिस्ट्री हम लोगों को बहुत अच्छी तरह हमारी बातचीत में और जो पूरा समय हमने आज शाम को दिया है उसमें वो केमिस्ट्री हमको दिखी, मिली और उस केमिस्ट्री का हम सब पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। हम लोग बहुत अच्छी तरह से अग्रसर हैं, आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग सभी संतुष्ट हैं जो हम आपस में बातचीत करके जिस निर्णय की तरफ बढ़ रहे हैं उसकी तरफ बढ़ने में बड़ा उत्साह है। हम बहुत कामयाबी से उस ओर बढ़ रहे हैं और बहुत जल्द हमें उम्मीद है कि हम एक अंतिम निर्णय पर पहुंचकर अपने नेतागण के सामने रखकर और वो आप तक फिर हम ला सकेंगे। तो सुना आपने, खुद कांग्रेस के बड़े नेता ये कह रहे हैं कि आप और कांग्रेस के बीच जो केमिस्ट्री मिसिंग थी वो अब दिखाई दे रही है। लेकिन देखना ये होगा कि ये केमिस्ट्री किस हद तक बन पाई है। ये तो अगले हफ्ते होने वाली सीट शेयरिंग पर बिना विवाद के बैठक के बाद ही पता चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।